गुड मॉर्निंग गाइस, आज ऐसे सैटरडे और जय श्री राम टू एवरीवन। भाई आज ऐसे ही सैटरडे है तो तुम्हें पता ही भाई, हम तो हैं आवारा। तो आज हम फिर से जा रहे हैं, आज हम जा रहे हैं गदर मचाने, गदर टू देखते देखते। भाई वो पापा आ गए थे बीच में, इसलिए काटना पड़ गया एकदम से। हम जा रहे हैं भाई गदर टू देखने, साकेत अनुपम, PVR साकेत अनुपम। तो भाई सारे दोस्त आ रहे हैं, मेरे ख्याल से बग्गे नहीं आ रहा, बाकी सारे आ रहे हैं। तो पहुँचते हैं भाई, अभी मैंने रैपिडो बुक करी है, बाइक से जाएंगे। मेट्रो से तो घड़ा लंबा पड़ जाता है यार, बाइक से पहुँच जाएंगे सीधे सीधे रोड में आधे घंटे में। भाई मैं तो पहुँच गया यार PVR वहाँ पे, जो भी है अनुपम साकेत। भाई ये लेट कर रहे हैं, 9:20 का शो है, 9:20 तो हो गए, बड़े लेट कर रहे हैं। भाई हमारे भाई भी आ गए हैं, ये तो गमछा पजामा पार्क ओवर के आए थे। अरे यहाँ पे स्कूटी चढ़ा दी ऊपरी PVR के। भाई हम तीन ही जा रहे हैं, वंश ना आ रहा? नहीं आ रहा। अबे भाई सबने धोखा दे दिया, भाई कोई तो आया नहीं, हम तीन ही आए हैं। बट कोई नहीं, हम तीनों ही गदर मचा देंगे गदर में। ये देखो भाई ऐसा कुछ अंदर से है, टिकट बुक हो जाती इसी से ऐसे। प्राइम पर रहे या ग्राउंडेड? फिर भाई देखो जो भी मूवी का होगा मैं एक्चुअल रिव्यू देता हूँ भाई, मैं शर्म गर्म नहीं करता कि भाई कोई बड़ा एक्टर है तो उसकी वो तारीफ तारीफ करूँ बस, जो होगा वो। हाँ हम तो जैन मन बोलेंगे भाई, जैन मन कोई छोटी तारीफ नहीं होगी यहाँ पे। भाई गदर टू स्टार्ट हो गई, एड चल रही है ना अभी, फिर ठीक है 15 मिनट लेट हो गए कि एड चल रही है अभी। भाई इनका मेन पैसा एड से तो आता है। मैं निकला और गड्डी लेके एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया, लाहौर आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। क्या कर रहा है भाई? अड़े इंटरमिशन होगा यानी इंटरवल। और भाई फिल्म में ना लॉजिक थोड़ा कम है इस वाली, पहले वाले पार्ट में थोड़ा लॉजिक भी था, इसमें उतना लॉजिक ना है। भूख मर गई मेरी तो। भाई सिस्टम तो ये है यार, रेक्लाइनर भाई गदर टू में गदर मचा दिया भाई। देखो यहाँ पे मतलब रहता है ये सब करने का, भाई गाना फील करना। जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा और जिंदाबाद रहेगा। भाई फिल्म देख के बाहर निकल गए हैं, अभी मैं पहले कुछ खा भी लेता हूँ, उसके बाद तुम्हें रिव्यू देता हूँ फिल्म कैसी। ठीक है, जेनुइन रिव्यू भाई। गाड़ी चटक जाती है अभी यार, मैं तो पहली बार इसमें आया हूँ। इस मॉल का नाम ही अनुपम है, बना तो बढ़िया रखा है यार, एकदम स्ट्रीट जैसा लग रहा है, पूरा नया बना दिया तो पूरा। हल्दीराम वगैरह नहीं है क्या यहाँ पे? बीकानेर वाला हल्दीराम वो तो है, नहीं है बीकानेर वाला दिख रहा है, हल्दीराम कहाँ दिख रहा है? है भाई है, हल्दीराम है, डोमिनोज है, बीकानेर वाला खाओगे क्या? होंग्स किचन भाई, होंग्स मैं कभी गया नहीं यार, होंग्स चिंग्स ये सब नहीं गया मैं, चल रहे हैं। थोड़ा इतनी लंबी डिबेट के बाद चूज कर रहा था कि पिज्जा खाने जा रहे हैं, कह रहे ऑर्डर ही नहीं दे रहे तुम। हम इनके लिए है तो पिज्जा हट जा रहे हैं भाई, अब धूल मिट्टी की बंडी छूट रही है यहाँ पे, ये बना नहीं पूरा घर फिर आ गई पर्चा लेकर। तेरे पास भी आई थी ना
आंटी तो छोड़ बच्चे पकड़ लेते हैं सारे गले लग जाते हैं। आंटी सबको पकड़ रही है यार, पैसे नहीं दे रहे तो कुछ खिला दो, और हम खुद ना खा पा रहे यार। भाई आंटी की, आंटी की नजर लग गई थी यार, उसके पैर में, पैर में मोच आ गई। आंटी की नजर लग गई हमारे, हमारे पिज्जा पे नजर मार दी, इसका पैर चटक गया, मोच आ गई। इधर पिज्जा डाला भी था, चार समय चूड़ी के बाहर आ रहे थे। अब क्या खा रहे हैं? हॉस्पिटल लेके चलो भैया, यही खिला दो कुछ, कॉल एम्बुलेंस। भाई लिटिल बिट चेंज इन द प्लान, इधर कुछ भी नहीं मिल रहा खाने को, जहाँ जा रहे हैं वो कह रहा भाई 40 मिनट लगेंगे ऑर्डर में, कोई कह रहा है कि ये सामान ही नहीं मिल पा रहा इस समय, तो अब हम जा रहे हैं भाई दूसरे मॉल। कौन से मॉल जा रहे हैं? सिलेक्ट सिटी जा रहे हैं, सिलेक्ट सिटी साकेत। ओके वहाँ कुछ खाएंगे, स्कूटी पे जाएंगे। ओ तेरी मेरी एक जिंदड़ी, वो घर आ जा। भाई मूवी देख के तो मैं जैसा आ गया, मतलब सही थी, ऐसे भी कुछ नहीं बोलूँगा कि तुम दो तीन बार देख सकते हो, वन टाइम वर्थ इट, 90% वर्थ इट है, बाकी 10% तुम पे डिपेंड करता है। तुम थोड़े सीन्स हैं ना रिपीटेड से कर रखे हैं, बाकी गाने सारे बहुत बढ़िया हैं भाई, और किस्म देने वाले गाने हैं। पब्लिक थोड़ी हमारी बोरिंग टाइप की थी, चिल्ला नहीं रहते, हम तीन पागल अकेले क्या चिल्लाते, इसलिए उतना नहीं आया, बट सही था, सही था भाई। एक तो हम बिना हेलमेट कैसे दिल्ली में घूम रहे हैं, वो भी मेन दिल्ली में, पीछे तुम्हें बैरिकेड दिख रहे हैं, वहाँ पे लेडी पुलिस कहने लग गई तुम्हें हेलमेट अलाउड नहीं है, है? हेलमेट लागू नहीं होता तो मैं पकड़ू तुम्हें अभी। लेकिन हम भी तो बदमाश है ना भाई, मैं तुम्हें स्कूटी का नंबर दे दूंगा, उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दो, ठीक है? इसी गाड़ी बंद कर लो भाई, दिल है कुत्ती मारा। एक आगे चल रहा स्कूटी पे, अंकल जी शिवम अंकल, चिपका दो बैठ दो भाई दूसरे में। भाई कहाँ पे दिल्ली गलियों में घुमा रहा है यार, पता नहीं यार, पता नहीं कहाँ, यहाँ से मॉल का रास्ता आ गया तुम्हारे यहाँ पे, हमारे यहाँ मेन रोड जाती है मॉल को, पता नहीं कहाँ गली गली से जा रहे हैं, देखा जाम में फंस गए बस। बावड़ी पूछ होए, तेरे को और नहीं मिली भाई, पहुँच गया सिलेक्ट सिटी, पहुँच गए, कुछ खा लेंगे भाई, पेट में कुछ कुछ चूहे कूद रहे हैं मेरे पेट में, बहुत तेज भूख लग रही है। वहाँ पे 500 रुपये का पॉपकॉर्न था, वहाँ ये पे खा लेते यार, बहुत महंगा था। हूटर वूटर बज रहा भाई गाड़ियों में। भाई देखो ये साकेत का कोई कैफे है, दिखने में बहुत बड़ा है, अगर तुम्हारे पास कोई बंदी बंदी है तो भाई यहाँ पे डेट पे ले आओ, बस थोड़ा महंगा हिसाब किताब है, तो देखना इतना खर्चा चोरी पे करना सही है कि नहीं। भाई बता रहा इधर लेके आओगे तो घर जा ले जाएगा, तुम्हारा घर जाएंगे इधर लाने में। भाई यहाँ साकेत में बर्गर की मांग, कुछ खा रहे हैं बर्गर वर्गर। ये देखो भाई देसी वाला गमछा टांग के, पूरी पब्लिक में अलग दिख रहा गमछा वमछा टांग के। भाई खा पी भी लिया, अब निकल रहे हैं घर, और धूप हो गई बहुत ज़्यादा, मैंने अपनी बाइक मंगा लिया, तो भाई भी आ रहा घर अब। ओके भाई, भाई राम राम, और ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। भाई अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।